गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना गुरु नानक चमत्कार विच एक गुरु नानक देव जी की वार्ता भाई साहब जी ने लिखी है, जिसका सिरलेख है सतगुरु नानक देव जी की जगन्नाथ फेरी। इसका एक पद जिस विच गुरु नानक देव जी की ब्राह्मण नाल वार्तालाप हुई है वो आप जी नूं पढ़ के सुनावांगे, क्योंकि इस विच जिहड़े सिमरन की बाबत साड़ियां भुल्लां हन उसका वर्णन सचे पातशाह ने खोल के दर्शाया है। कई बार असी सिमरन करते हाँ वो सफल नहीं होता, निरा रटन मात्र ही रह जाता है। सो केड़ियां भुल्लां हन आओ प्यार नाल सरवण करिए। रात गुजरी अमृत वेला आ गया, मर्दाने ने कीर्तन आरंभ कीता। सचे पातशाह जी आपे रसिया आप रस आपे रावण हार दे संगीत कीर्तन ते सिफत सलाह दे रंग विच रंगे अडोल बैठे हैं। संगत आवनी आरंभ हो गई, सूरज चढ़े तक ठठ बजा रहा, फिर भोग पिया, कड़ा प्रसाद वरत्या, संगत विदा हुई। अज संगत ने शहर चलन वास्ते बहुत अरजोई की, पर आपने आख्या कि अज दा दिन हुक्म इथे रहण दा है, कल जो निरंकार करावेगा होवेगा। जंती दे वस जंत है, ज्यों वजाएगा वजिएगा। लोडे पहर जोगी राज ब्राह्मण दर्शन नु आया, मथा टेक के बैठ गया। सतगुरां ने आदर दिता, प्यार कीता ते सुख पुछी। तद जोगी ने आख्या, महाराज आप दे बल अगे मैं झुक चुका हाँ, आप दी कथनी कीरत दा लोहा मन चुका हाँ, आप दे जाग दे मन दा चानना देख चुका हाँ, पर मेरे शंके अजे निवृत्त नहीं हुए। गुरु जी निवार लो, मन मने ना ता मन टिके किवें, टिके ना ता उच्चा किवें होवे, उच्चा ना होवे ता साई तार नाल सो होवे किवें, जीव दी तार नाल ना सुर होवे ता आप जीवे किवें, जे जीवे ना ओ परम पदार्थ पावे किवें। सो पुछ हे ब्राह्मण राज शंका निवार ले। ब्राह्मण आपने क्या है नाम जपो, असी भी नाम जपदे सां, पांडा भी नाम जपदा आह, फिर असी खुनामी निकले ते आपने सानू फिर नाम ही आख्या है। गुरु जी तुसी नाम नहीं जपदे साओ, तुसी किसे भुलेवे विच साओ, मूह तो किसे देवता दा नाम एवें घड़ी दो घड़ी लई लई जाना, नाम की कू है। ब्राह्मण रब दा नाम लई जाना नाम नहीं है। गुरु जी रब दा नाम आखो, पर नाम विच भावना तार के नाम लो। ब्राह्मण किवें, गुरु जी नाम तो पहले नामी है ए निश्चा तारो, ख्याल करो के नामी है, इस दिस दे ते वसदे संसार विच इस दा मालक ते पालक वसदा है, ओ इस विच है पर दिसदा नहीं, उसदा रूप रेख रंग नहीं है पर है कट कट, ओ निरंकार है, ओ जोत स्वरूप है, साडा अंदरला भी जोत है, हां निरंकार मिट्टी अंध वांगू नहीं, ओ जीवदा जागदा सदा सुरजीत आत्म तत् है, उसदे रंग उसदे करने उसदे विचार उसदे तरंग कोई जाने, क्योंकि वो साडे वर्गे नहीं, चानने दी लहर ते करने मिट्टी समान नहीं होंदे, वो जोत है साडे अंदर, साडा अंदरला भी जोत है, जे दोहां दा मेल रहे तां साडी निक्की जोत दा चानना वध जावे, इउं साडा अंदरला खिड़िया रहे, नहीं तां बुझे दीवे वांग टठा जिया ते सोचां विच दिसन वाले दी तृष्णा विच मन रहेगा ते दुख पाएगा। सो उस महान ज्योति निरंकार नाल साड़ी विथ किवें ना पवे, ए साड़ा परम परमारथ है। उस ज्योति स्वरूप नू आखो नामी,
ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਵਾ ਬਣੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਮੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਈਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਦ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵਲਵਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੋਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਰੰਗ ਲੈ ਲੈ ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤਰੱਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਿਰਾ ਰਟਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਟਨ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਤਰੰਗ, ਸੁੱਖ, ਰਸ, ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰੱਬੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਜਲ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮੀ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਵਰਸਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰ, ਉਮਾਹਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਝੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਾਓ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਆਪ ਧੰਨਯ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੋ ਲੀਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਮਟਰ ਮਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਏ ਸੁਣਨ ਕਿ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਪਈ ਵੱਜੇ, ਦੰਦ ਪਏ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਖੜਕਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਘੜੀ ਕਰ ਉੱਠਣਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸਫਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜੀਭ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਨਾਮ ਆਤਮ ਜਾਗ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੁਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਾਗ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਸ ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੇ ਜਾਗ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਮੂਰਛਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦਿਖਲਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਰਸੰਸੇ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਲੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਦਾ ਥਾਉ ਪਤਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ।
पहला नामी दे गुण सुनी दे हन कि वो प्यार करदा है, पालदा है, मत देंदा है, अपने नाल रखना लोचदा है, वो सदा है। उस नाल मिलके असी सदा सुखी हो सकते हाँ। उस विच अपड़ना साढ़े जीवन का प्रयोजन है। जीवन दे जी उस दे नाल हो जाना ते नाल वसना साढ़ा परमारथ है। पर हाँ असी दुखी, ये दुख नामी तो विछड़े रहन करके है। हर प्राणी नू ए इच्छा है ते जिस लई सारे जतन करदे हां कि सुखी होइए, पर माया विच सुख नू पालन करके सारे दुखी ही रहंदे हां। क्योंकि माया परमेश्वर तो उल्ट भुलावे दा नाम है। माया परमेश्वर ते साडे विच विथ दा नाम है ते सच्चा सुख है उस नाल मेल विच। सो जे सदा सुख दी इच्छा होवे ता आदमी माया तो उठन ते नामी वे जान दी इच्छा करदा है। सो ऐसी इच्छा करे ओ नामी दे गुण सिफत स्वरूप लक्षणा दा हाल समझदा है, समझदा सुनदा इसलिए है कि देख ता उसनू सकदा नहीं क्योंकि ओ अगोचर है। ता ते एक ख्याल बनाउंदा है नामी दे स्वरूप ते गुणा दा, अपने अंदर एक त्रवा बनदा है नामी दा ते प्रयोजन बनाउंदा है नाम विच ध्यान ला लैण दा। सो तो साड़ी पहली पुल ए है, तुसी नामी दा ख्याल बने बिना ते ध्यान नू दृष्टमान यानी दिसण वाले पदार्थां तो चुक के नामी विच ला लैण दा प्रयोजन तारे बिना नाम रटना शुरू करदे हो। जद नाम दे अर्थ वल पहला भावना ही नहीं तारी तां दसो किस दा नाम जपदे हो। पहला परमेश्वर विच भावना तारो, फिर नाम जपो। ए जान के कि ए नाम उस मालक पालक दा है। जपदे इस कोशिश विच रहो कि हाजरा हजूर दी हजूरी विच यकीन करके नाम जप रहे हैं। ब्राह्मण ठीक है, सिर हिला के स्वाद आ गया। फिर जी जद ए ख्याल बना लिया ते मन लग गया, फिर जीव दी की लोड़ रही। गुरु जी एथे ही नुक्ते दी गल है, जे तां ए नामी दे वजूद जां ख्याल ते नामी विच ध्यान जोड़ लैण दा प्रयोजन समझ विच आउंदिआं मन विच लगातार हुलारा उस दी याद दा आ गया, साईं दी कीर्ति ते प्यार जाग पिया, अर्थात ख्याल फौरन अनुभव विच बदल गया, तद कारज हो गया, नाम प्राणा विच वस जाएगा। पर रिखी जी ऐसा हुंदा नहीं सिवा बख्शे होयां दे। ख्याल रब दी होन दा या उस दे वजूद दा त्रवा बन लईदा है कि इस दिस दे जगत दा करनहार है ते उसनू मिलना साडा जीवन दा प्रयोजन है, पर फिर भूल जाईदा है। अर्थात साडा ध्यान माया तो उठ के एकदम नामी पर नहीं जा लगदा। समझ पावे समझ जावे पर ध्यान जिथे है उथे ही है। ए दृष्टमान तो उठ के दृष्टा पर निरंतर टिक नहीं जांदा। इस गल लई के ध्यान पुल वाले थां तो उठे सानू कोई तरद्दत करना पैंदा है। वो तरद्दत साड़े शरीर तारी होण करके शरीरक लोणींदा है। फिर समझ लेना कि दिल दा एक तरद्दत तां पहला असा कर लिया है, रब है, असा समझ लिया है कि उसनू मिलना असा प्रयोजन बना लिया है, ते माया तो ध्यान उच्चा करके उस उते लाउना है। ए प्रयोजन भी असी विचार लिया है पर ध्यान साडे आखे नहीं लगदा। इस ध्यान नू मोड़न दा तरद्दत करना है। तद विचार सानू एक और गल दसदी है कि मन दा असर शरीर ते पैंदा है ते शरीर दा असर मन ते पैंदा है। जो कम शरीर करे मन उसे दा अक्स लै लैंदा है। जे हत्था नाल सारा दिन कचालू पुटो तां रात सुफने मन नू कचालू पुटण दे आउंदे हन। जे मन उदास हो जाए तां शरीर ढिल्ला ते कमजोर हो जांदा है। ए गल समझ के असी उस रूप रेखा तो परे रहण वाले पर साडे अंग संग रहण वाले नामी दा एक अखरां वाला नाम लभदे हां ते उस अखरां वाले नाम नू जीभ ते रख देंदे हां।
अते जीब नाल जपदे हां वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जद जीब ए कम करदी है तद ध्यान जो माया विच है मोड़ा खांदा है ते वाहिगुरु वाहिगुरु इना अखरां वल आउंदा है। अगों असां अपने अंदर वाहिगुरु दे वजूद उसदी है या होण दा ख्याल कायम कर लिया होया है, उसदे सरूप गुणा सिफत सलाहां दा कोई रूप बन लिया होया है, उस विच लिवलीन होना प्रयोजन बना लिया होया है। जो साडा ध्यान चट माया तो उठ के मानसिक मंडल विच चलिया जांदा है, लगातार नाम इसे करके जपीदा है कि शरीर ठोकर दा अक्स मानसिक मंडल ते पै के मानसिक मंडल ईश्वर ध्यानी हो जावे। इस तरह फिर नाम मानसिक मंडल तो उच्चा होके आत्म मंडल विच लै जांदा है ते फिर नामी दे द्वारे जा पहुंचींदा है। समझण समझाउण मात्र लई एउं कहीदा है जीकूं क्या है। ब्राह्मण, बहुत ठीक है। गुरु जी, मनुख सारा ध्यान शरीरक मंडल विच लाई रखदा है। वेखो, लगभग पौने त्रै पहर रोज सवींदा है, ये शरीरक सुख वास्ते है। पौने त्रै पहर रोज लगभग रोजी कमावण दे कमां पुर खर्च आउंदे हन, तद भी शरीरक मंडल विच ही ध्यान रहा। बाकी पौने त्रै पहर हसण खेडण सैल तमाशे भाईचारे दे कमां विच लंघ जांदे हन, ओ भी शरीरक मंडल विच ध्यान नूं रखदे हन। सो अठे पैर शरीरक मंडल वल रुख रखिया बीते, हुण ध्यान मानसिक मंडल विच जावे किकों ते केड़े वेले। भावे कोई पढ़िया है भावे नहीं, अठे पैर उसदा ध्यान शरीरक मंडल विच है। सो सिद्धांत ए है कि शरीरक मंडल विच लग रहे ध्यान नूं किसे शरीरक क्रिया नाल चुकीना है, वो है रसना नाल नाम दा जपना, जिस नाल ध्यान नामी दे ख्याल उसदी सिफत सला ते स्वरूप वल जांदा है, ते सहजे सहजे बेमलूमे इस अभ्यास नाल ए ध्यान मानसिक मंडल विच टिक जांदा है। ब्राह्मण, योग अभ्यास नाम तो उच्चा है कि? गुरु जी, अभ्यास ध्यान नू माया तो चुक के निरंकार विच ले जान दे होर कई हन, पर उना नाल जीव एकांत वासी हो जांदा है। कल्याण दी लोड़ हर प्राणी नू है, जे हर प्राणी एकांत वासी हो जाए तां कुछ समय विच जगत समाप्ति हो जावे। जे जगत समाप्ति हो जाए तां एक गल है, परंतु जो अंदरले दी सिख्या ते उन्नति एक दूजे नाल वाह पैण नाल हुंदी है वो रह जांदी है, ते एकांत विच अंदरला एकांत जोगा ही हो जांदा है। एउं जे सारे बन्नी जा बैठन तां रोटी सारे कित्थों खाण। सो हो ही नहीं सकदा कि सारे बन वस के साधन करन, बन वस के सारे भुखे होके ही मर जाणगे। इस करके साधन ऐसा लोड़िए कि जो बेमलूमे असर करे, दुनिया दे कार विहार टुरे रहन, जीव किरत करके रोटी खांदा रहे, पर अंदरों ध्यान माया ते संसार तो उच्चा हुंदा जावे ते वाहिगुरु वल रुख करदिया निरंतर अंदरों रब नाल मेल हो जावे, फिर अंदरों साई नाल मिलिया रहे ते हाथ नाल कार भी करदा रहे। ए तरीका सिमरन दा है जिसनू असां नाम कहा सी। अंदरों मिलिया रहना कोई मुर्दा मेल नहीं, कोई दो जड़ चीजां दा संगम नहीं, पर ओ मेल जीवन है आत्म जीवन, क्योंकि ओ जीवन तत्तां दा मेल है। असल जीवन भी ओ है, जिस दे मन विच साई वस्या ओ जीवदा है, जिस दे अंदर नहीं वस्या ओ मुर्दा है। नाम लगातार रौ है साडे ध्यान दी साई वल, ते लगातार रौ है साई दे प्यार दी साडे वल। हां, ओ एक जीवन हुलारा है। ब्राह्मण, दूसरी पुल भी दसो कृपा करके। गुरु जी, दूसरी पुल ए है कि जब तुसी नाम जपदे होए नहीं वेखदे के ध्यान माया मंडल तो उठ के
मानसिक ते आत्मक मंडल वाल जा रहा है कि नहीं। तुहाडे अंदर माया दी प्रबलता ओह रहिंदी है, कोई रुमका रब्बी नहीं फिरदा, कदे सिफत सलाह नहीं आउंदी, कदे तुसी उन्मन नहीं हुंदे, कदे चाव विच नहीं आउंदे, कदे भय विच नहीं जांदे, कदे प्यार रौं नहीं फिरदी, कदे वैराग दी रमज नहीं वजदी, कदे वलवला नहीं उठदा, कदे शुक्र दा भाव नहीं उमगदा। फिर तुसी लग के जपदे भी नहीं, एवें कह छड़दे हो के जपदे हां। ब्राह्मण राज ए भी जरूरी है कि आत्मा दा जग्यासु सत्संग नू प्राप्त होवे, अर्थात नाम जपण वाले जीवदे दी सोबत करे, नामी दा आदर्श अंदर लै के नाम जपे तां फिर जी उठेगा। हां, जपना ही जागृत नू लै आएगा। तुसी मुड विच साई दा स्वरूप, मिलाप दा प्रयोजन कोई त्रवा नहीं बनदे, ते ना ही जपदे होए वेखदे हो की बन रहा है। जद नाम कोई जपेगा जरूर नाम ही अंदर आवेगा ते मन उन्मन होवेगा। ब्राह्मण जी, मेरी निशा होई है। गुरु जी, हुण तुसी धर्मशाल बनाओ, उथे सत्संग दा सरंजाम करो। ब्राह्मण सद बचन, होर कुछ आ गया? गुरु जी, होर बाणी जो सानू तुरों अनुभव हुंदी है तुसी लिख लो, इस दा कीर्तन करया करो। बाणी दे कीर्तन नाल मन सिफत सलाह दे कर जावेगा। याद रखो, ओ दिल मुर्दा है जिस विच सिफत सलाह दा रुमका नहीं फिरदा। जमीन, आसमान, तारे, चंद, सूरज, पानी, पौन सब सिफत सलाह विच लै जांदे हैं। जे ए ना लै जान तद मन मरिया जान, जे जीवना चाहो तद बाणी दा कीर्तन करो। मोया मन सिफत सलाह दे घर आके जीवे। बाणी मन विच नाम दी महिमा दृढ़ करदी है। बाणी नाम दी गोद है। बाणी तो नाम विच, नाम तो बाणी विच खेल दे जागे मन आनंद लेंदे हन। देख ब्राह्मण राज, तू पढ़िया है, पढ़िया हुजती बहुत होंदा है। याद रख, परमेश्वर दे देश गल्लां ते हुजता नाल नहीं जा हुंदा। अकल दीवा है, चानना है, जिसनू ठीक तरह वरतो तां। इस नाल साहिब दी सेवा करी दी है। स्वच्छ अकल ते प्रयोजन नू लब्बण वाली विद्या सहायक हां नाम दिया। हां, निरंकार दे देश नाम अभ्यास दी करनी नाल जाईदा है। मेरी विद्या नाल समझ तां कुछ आ जांदा है, पर ध्यान माया तो नहीं उठता। माया तो मन दा ध्यान नाम नाल उठता है। नाम ने ही ज्ञान विच या अनुभव विच लै जाना है। सारियां नेकियां ते साधना दी सरलता अनुभव विच है। जा, तैनू नाम दी बख्शिश होई। जप अर वस उन्मन होके अर देख के निरंकार दा प्यार की है। एक कहंदिया गुरु बाबे दा हथ ब्राह्मण दे सिर ते पिया। कर हुकुम मस्तक हथ तर विचों मार कड़ियां बुरियां। ब्राह्मण दे सिर नू चक्कर आके कड़क जी होई, मानो कोई छोड़ कटिया गया। शरीर तो आवरण टह पिया। जाग आई, आप हल्का फुल हो गया। शरीर दा भार मानो है ही नहीं। अखां विच सरूर भर गया। लू लू विचों वाहिगुरु 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 दी चरनाट फिर निकली। मन आपे तो उचेरा होके दृष्टा रंग विच आ गया। त्राटका ने माया लीन करके पट छड़िया सी। अज डिठा कि गुरु बाबा जद नाम आखदा है तदो की आखदा है। समझींदा नहीं, पर एं बुझीदा है ते प्रतीत करींदा है। वाह वाह, हे ब्राह्मण तेरे भाग। कुछ चिर मगन रह के ब्राह्मण मत्था टेक के नाम दान लैके, हां जिया दान लैके, दुख देण दे बदले अमर सुख लैके नगरी नू चला गया। ते ओ मोजां दा साई समुंदर किनारे ही विचरदा रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।